हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन कराने जा रहे हैं और हम ये तैयारी करा रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। हमारी क्लास लगी, अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें भी भेज सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है। तो रिलेशन में सबसे पहले करते हैं कि आखिर रिलेशन है क्या। जैसे हमारी और रिलेशन होती हैं, कोई हमारी मौसी, चाचा, ताऊ, तो वैसे ही हमारी यहाँ पर मैथ की रिलेशन है। तो मैथ की रिलेशन कैसे है, तो हम सभी ने सेट थ्योरी पढ़ी है। तो सेट थ्योरी में हमने एक चीज पढ़ी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ना पढ़ी हो तो यहाँ पढ़ लेते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एक होता हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको ए क्रॉस बी लिखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, यहीं से रिलेशन का जन्म होता है कि रिलेशन है क्या। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए एक सेट है 1 2 और बी एक सेट है 3 4, तो ए क्रॉस बी मुझे फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालूंगा, 1 का 3 से रिलेशन करूंगा, 1 का 3 से और 1 का 4 से भी, और 2 का 3 से भी, 2 का 4 से भी, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जैसे जितनी भी रिलेशन हो सकती है वो सभी रिलेशन हमने बिल्डअप करनी है। ऐसे 1 की 3 से भी बनानी है, 4 से भी बनानी है, 2 की 3 से भी, 2 की 4 से भी। तो ये हमारा जो है, ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमारा रिलेशन निकलता है कि रिलेशन है कैसा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा कैसे आएगा। अब उससे पहले हाँ, एक बात समझानी रह गई, एक बात समझानी कह रही कि सबसेट। सबसेट सभी को पता है, जैसे ए एक सेट है मेरा 1 2 3 और बी है मेरा केवल 2 3, तो मेरा जो बी सेट क्रिएट किया गया है वो ए से क्रिएट किया गया है। तो मैं कह दूंगा बी सबसेट है ए का, सी जैसा साइन होता है सबसेट का, कि बी ए का सबसेट है। तो अब यहां से कई बार होता है कि मैं जैसे इसके मैक्सिमम सबसेट कितने बना सकता हूं, जैसे एक सेट मैंने अभी दिया 1 2 3, तो मैक्सिमम कितने सेट बना सकता हूं, मैक्सिमम सबसेट में कितने बना सकता हूं। जैसे एक बना सकता हूं मैं अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, एक बना सकता हूं 1 2, एक बना सकता हूं 2 3, एक बना सकता हूं 1 3 और एक 1 2 3 और एक कुछ भी नहीं, void set कहते हैं इसको, empty set, या 5 रख लूं या ये दो ब्रैकेट जो है वो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एट हो गए। तो 3 एलिमेंट से तो 8 आए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 into 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर 4 एलिमेंट्स होते तो मैं कहता 2 की पावर 4 16। तो ये कैसे आया 2 की पावर 3, तो इसको भी हम करेंगे। कई बार ये हमें बुक्स में नहीं मिलता कि 2 की पावर ये n हमने क्यों लगाया। देखिए बॉयड सेट आया तो 3 में से c 0 कर देंगे, एक एलिमेंट चुना है हर सबसेट में से, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो 3c1, 3 में से 1। यहां पर 3 में से 2 चुने हैं और यहां पर 3 चुन लिए, 3c3, तो 3c0 हमारे सभी साथी जानते हैं कितना होता है, 3c0 हमारा 1 आ जाएगा, 3c1 3 आ जाएगा, 3c2 2 और 3 आ जाएगा और ये 1 और ये हो गया 8। तो 8 हमारे सबसेट ऐसे भी निकल गए। तो 2 की पावर n हमारा यहीं से आया है, हम nc 0 कर देंगे और nc n तक ले जाएंगे, तो हमारा 2 की पावर n आ जाए। इसके बाद हमारा ये जो हो, जब हमारे पार्ट हो जाए, तो इससे हम रिलेशन निकालेंगे कि रिलेशन क्या है।
व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन क्या है? सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बराबर भी हो सकता है, बराबर जब होगा तो हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। मतलब आर बराबर ही हो जाए ए क्रॉस बी तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अब हम ट्वेल्थ की तैयारी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो इसके लिए हम इनकी डेफिनेशन वगैरह पर ध्यान न देते हुए आगे काम करते हैं कि रिलेशन हमारा इसका एक सबसेट है। जैसे हमें कह दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आर एक ए आर बी एक ऐसा रिलेशन है, मतलब आर इक्वल टू ए बी। और एक बात रहा हमें कह दी कि ए बराबर है हमारा टू बी और ए बी जो है नेचुरल नंबर है हमारे। ये हमें रिलेशन दे दिया आर इक्वल टू ए बी और ए इक्वल टू टू बी और ए बी हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हमें कहा भाई रिलेशन निकालो। तो इसका मतलब हमें क्या है कि रिलेशन हमारा क्या निकलेगा? ये हमारा किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये हमने 11th क्लास की मैथ में है शायद, और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब ए कितना है और बी कितना, कुछ भी लगा दो, नेचुरल नंबर है भाई। जैसे मैंने वी एक लगा दिया वन, तो ये इसका टू हो जाएगा। अगर ये मैंने टू लगा दिया तो ये फोर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर थ्री लगा दिया तो ये सिक्स हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारी रिलेशन होगा। ये हमारा एग्जांपल से शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मैं अगली क्लास में फिर समझा दूंगा। जैसे कई बार होता है कि हमारे पल्ले नहीं पड़ा भैया ये क्या था रिलेशन, तो रिलेशन ये आपको पता लग गया होगा। अब मैं आपको रिलेशन की बात बताता हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हमारे पास टाइम भी देखो ज्यादा नहीं है और पढ़ना बहुत है, शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं। तो अगला बताऊंगा डोमेन, कि डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। रेंज क्या है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। डोमेन कोडोमेन और रेंज। डोमेन पता है क्या होता है? जो भी हमारे रिलेशन है इसमें जो पहला एलिमेंट है जैसे टू फोर सिक्स, ये हमारा हो गया डोमेन। अब पूछे रेंज, रेंज हमारा लास्ट वाला एलिमेंट हो गया वन टू थ्री। और हमारा जो सेट बी है पूरे का पूरा, वो हमारा हो जाता है कोडोमेन। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। लेट ए आर बी रिलेशन को हम ना ऐसा करके लिखते हैं कि ए रिलेशन है बी से, जहां ए लेस देन है बी से, मतलब ए बी से मैंने छोटा ही लेना है, ना बराबर लेना ना बड़ा लेना, छोटा लेना है। और मेरे सेट दे रखे हैं, जैसे ए एक सेट दे रखा है वन टू थ्री फोर फाइव, और बी एक सेट दे रखा है मेरा थ्री कॉमा फाइव, ये दे रखे हैं मेरे को। मेरे को कहा भाई डोमेन रेंज और को डोमेन बताओ, इसमें क्या बताओ? फाइंड डोमेन को डोमेन एंड रेंज। अब एक बात हमें रिलेशन क्या दे रखा है कि ए लेस देन बी, ए हमारा बी से छोटा होना चाहिए। तो क्या रिलेशन बनेगा हमारा? देखो ए हमेशा छोटा हो, ए इसका एलिमेंट है बी इसका एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा वन थ्री, वन फाइव भी हो सकता है, टू थ्री हो सकता है, टू फाइव भी हो सकता है। थ्री फाइव हो सकता है, फोर फाइव हो सकता है, देखिए और कुछ हो सकता है अगर मेरे हिसाब से कुछ रह गया हो, मुझे ही लगता है कुछ रह गया है क्योंकि ए लेस देन, ये मेरा रिलेशन लिख दिया। अब इसमें डोमेन, डोमेन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट,
और वो रिपीट नहीं होगा, वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, पहला एलिमेंट ये मेरे हो गए डोमेन। काया रेंज, रेंज कौन सा है, सेकंड एलिमेंट, जैसे इसमें थ्री आया है और फाइव आया है। कोडोमेन पूरा सेट बी, वो तो इसमें सेट बी रेंज के बराबर ही आ गया, पर इसमें सेट बी होता है, जैसे हम बनाते हैं, हमने छोटी क्लास में पढ़ा हो, यहां से लेते थे सेट ए सेट बी, वन टू थ्री और उसके जैसे फोर थ्री फाइव, अब वन थ्री से जा रहा है, वन फाइव से भी जा रहा है, टू थ्री से जा रहा है, टू फाइव से जा रहा है, थ्री फाइव से जाएगा केवल, फोर फाइव से जाएगा। तो जिन जिन पे ये एरो लग गया ना वो रेंज होते हैं, और जिन पे एरो नहीं भी लगा होता, जैसे यहाँ पर एक और एलिमेंट होता जीरो मान लो, तो ये किसी में जाता ही नहीं, तो मैं क्या कहता, ये थ्री फाइव जीरो ये मेरे सब किस में आ जाते, कोडोमेन में आ जाते, रेंज में थ्री फाइव ही रहते। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि डोमेन कोडोमेन और रेंज अगर क्लियर हो गया तो आगे चलें। टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब रिलेशन की टाइप होती है कुछ, वो हम थोड़ा एक ही करके समझेंगे, कोडोमेन के बाद हम समझेंगे रेंज वो टाइप्स। तो सबसे पहली है हमारी बॉयड रिलेशन, या फिर मैं एम्प्टी रिलेशन कह देता हूं। अगर हम सब ये नोट करते जाए ना तो नोट्स बन जाते हैं और बढ़िया हो जाता है, नोट्स मार्केट्स वाले से बढ़िया होते हैं कि अपने बनाए हुए। अब जैसे मैंने बताया पहला रिलेशन बताया था एम्प्टी, एम्प्टी कह लूं या फिर बॉयड रिलेशन कह लूं, मतलब मुझे ए और बी दो सेट दे दिए, पर शर्त ऐसी रिलेशन रख दी कि जो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें कोई हमारा रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर मेरा निकलेगा ही नहीं, तो मैं उसको कहूंगा कि वो मेरा एम्प्टी रिलेशन है। जैसे एग्जांपल से हमें जल्दी समझ में आता है तो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मेरा एक सेट दे दिया ए, वन टू थ्री, और बी एक सेट दे दिया फोर फाइव, और रिलेशन दी और अब रिलेशन लिख दी, क्या लिख दी भाई, ये वन टू थ्री है और ये फोर फाइव है, रिलेशन लिख दी मेरी कि ए बी ऐसे एलिमेंट है कि ए बराबर बी, मतलब मेरी रिलेशन में दोनों बराबर हूं, दोनों कैसे हो बराबर हूं, और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी बराबर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें कि वन इक्वल टू, कोई ऐसी रिलेशन नहीं आ सकती आपकी निकल के ए बी में कि वन वन आ जाए, टू टू आ जाए, थ्री टू आ जाए, वन फोर आएगी, वन फाइव आएगी, टू फोर आएगी, टू फाइव, थ्री फोर, थ्री फाइव, तो रिलेशन नहीं आएगी ऐसी। तो इसमें क्या रिलेशन निकल के आएगी, ऐसे खाली दो ब्रैकेट, या फिर मैं इसको फाई कह सकता हूं, ऐसे निकल के आएगी। दूसरा है यूनिवर्सल, जैसे अभी मैंने बताया था इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, देखो नाम से स्पष्ट है, एक जैसे ही आए, ए बराबर बी वाला, सारे के सारे आए कैसे, जैसे आर इक्वल टू ए बी, ठीक है, सच दैट ए बराबर बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, जैसे आर बराबर मैं कह सकता हूं ए ए
उसका उसी के साथ हो, फॉर एवरी ए, इस साइन को बोलते हैं ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, जैसे 1 1 2 2 3 3, उसमें वही रहे, आलतू फालतू ना रहे, 1 1 2 2 3 3, ये ना हो 1 2 भी आए, 2 1 भी आए, बस 1 1 2 2, अगर ये एलिमेंट है 1 2 3 तो 1 1 2 2 3 3 बस, तो वो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। ये हो गया 3। अब नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आइडेंटिटी की तरह ही काम करता है पर थोड़ा सा अंतर है। फॉर एवरी ए ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, सिंपल फॉर्मूला सेम सेम, पर क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा, इसके एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूं मैं आपको कि क्या डिफरेंस है इनमें। जैसे ए एक सेट है मेरा 1 2 3, एक सेट है ए 1 2 3, और आर वन एक रिलेशन दे दिया मैंने, क्या दे दिया 1 1, ऑर्डर पेयर है ये इनके 2 2 3 3, ये दे दिया, तो ये सिमेट्रिक, अब मैं ये कहूंगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, तो कहूंगा यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन भी है। लेकिन अब एक कंडीशन में दिखाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव तो होगा पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, वो कैसे होगा वो मैं एक एग्जांपल के सहायता से समझाता हूं। जैसे मैंने दे दिया 1 1, एक दे दिया 1 2, एक दे दिया 2 2, एक दे दिया 3 3 और एक 2 1। अब ये वाला जो रिलेशन है ना, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तीनों है, पर इसमें 1 2 और 2 1 भी है, तो कोई बात नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है पर आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 और 2 1 आ गए और आइडेंटिटी रिलेशन कहता है 1 1 2 2 3 3 ही हो बाकी ना हो, पर इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा अगर आ भी गए और दूसरे भी आ गए तो फिर हमारा वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो होने चाहिए, जैसे 1 2 3 है तो 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, बाकी फालतू और हैं तो कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव वो है। अब एक रिलेशन एक और है, देखो जैसे 1 1 है, 2 2 है, मैं कहूंगा बस ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है पर आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 3 3 मिसिंग है, क्यों नहीं है, 3 3 इज मिसिंग, और जो एक भी मिस नहीं होना चाहिए, अगर एक भी मिस है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम कराएंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके बाद जो आएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री बनती है, सिमेट्री कैसे बनती है, 1 2 2 1, 2 3 3 2, ऐसे करके बने। और जैसे कि ए बी एक सेट दे रखा है, मेरे को एक पेयर दे रखा है, ऑर्डर पेयर, वो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी ए बी उसमें होना चाहिए, और ए बी दोनों एक सेट से बंधे हुए हैं, एक सेट से बिलोंग करते हैं, उसके मेंबर हैं, मतलब ए आर बी प्रेजेंट है तो बी आर ए बी होना चाहिए, अगर ये है तो मैं कहूंगा कि वो सिमेट्रिक है। जैसे ए 1 2 3 एक सेट है कोई भी, अब मैंने रिलेशन ले लिया आर वन, ये ए बी दोनों मेरे जो दोनों मेरे एलिमेंट है वो एक ही सेट के ही मैंने लेने हैं, जैसे ए ले लिया, अब एक ले लिया 1 2, एक ले लिया 2 1, रिलेशन देखें यस ये है सिमेट्रिक, क्यों है, क्योंकि 1 2 है और 2 1 भी है। कई बार ये होता है कि भैया 1 2 है 2 1 है
टू थ्री और थ्री टू तो है नहीं, तो इसमें नोट नेसेसरी कि सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हों, जरूरी नहीं है सारे हों। अगर एक भी है वन टू है टू वन होना चाहिए, अगर हाँ इसमें वन थ्री होता एक और थ्री वन नहीं होता तो हम कहते तो ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब वन टू है तो टू वन है, अगर वन थ्री नहीं है तो कोई फर्क नहीं, सिमेट्रिक फिर भी है। मैं देखो इसका एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूं कि कब नहीं होता। जैसे एक रिलेशन दे दिया मैंने, मैंने रिलेशन दे दिया थ्री टू और थ्री वन। अब इसमें देखिए थ्री टू है पर टू थ्री नहीं है, टू थ्री इज मिसिंग, तो मैं कह दूंगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर होता वन थ्री इसकी जगह और थ्री वन तो मैं कह देता ये सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक के लिए उसका इनवर्स होना चाहिए। और अब जो अगला है छठा, मैं इसके सात टाइप बता रहा हूं, ये पांचवा था, चौथा रिफ्लेक्सिव हो गया, छठा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव। इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है, आज मुझे भी ये बहुत देर में समझ में आया था, ये हर किसी को समझ में एक बार में नहीं आता, इसमें गलती जरूर होती है। हमें लगता है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन वो ट्रांजिटिव होता है। अब कैसे होता है ट्रांजिटिव वो मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसमें अक्सर हम गलती करते हैं तो ध्यान से समझना, ये ट्रांजिटिव क्या होता है। मैं कह रहा हूं इफ अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, एक रिलेशन में ए बी है और बी सी भी है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर ये मस्ट है, ये होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने एक मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, ए एक सेट ले लिया वन टू थ्री और एक रिलेशन है मेरी वन टू टू थ्री, वन थ्री थ्री टू। मैं इसको ना एक चीज समझाऊंगा अच्छे से कि क्या समझना था वो हमें, वही मैं समझा रहा हूं। जैसे आर एक वन हमारे को रिलेशन दे रखा है वन टू टू थ्री, अब मैंने देखना है वन टू प्रेजेंट है टू थ्री प्रेजेंट है, मतलब वन टू थ्री, वन टू हो गया और टू थ्री हो गया, तो ये काट दो तो ये क्या रह गया वन थ्री, तो भैया वन थ्री प्रेजेंट है बदमी बात। अगला देखो टू थ्री प्रेजेंट है, अब थ्री से कौन सा शुरू हो रहा है, अब देखेंगे थ्री से शुरू जो हो रहा है ये हो रहा है टू थ्री और थ्री से शुरू हो रहा है थ्री टू, थ्री टू शुरू हो रहा है देखो टू थ्री, अब यहां पर देखना कंफ्यूज हो देते हैं बच्चे, थ्री टू थ्री से थ्री कट गया टू टू, टू टू है यहां पर टू टू नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, टू टू इज मिसिंग। समझ आ गया कि जैसे मैंने दोबारा बता रहा हूं वन टू, अब टू से कौन सा शुरू हो रहा है टू थ्री, तो वन थ्री है बन गई बात, पर हर कंडीशन होनी चाहिए। अब है यहां पर टू थ्री देखा मैंने, थ्री से शुरू हो रहा है थ्री टू, थ्री से थ्री कट गया टू टू नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे मैं अब अगला केस देखता हूं वन थ्री थ्री टू वन टू, ये देखता हूं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब इसमें क्या है वन थ्री, अब थ्री से कौन सा शुरू हो रहा है ये वाला थ्री टू, थ्री से थ्री कट गया वन टू, वन टू है भाई ओके। अब इसके लिए भी चेक करो, हर की ही चेक करना है इसमें, इसके लिए चेक करो थ्री टू है, अब टू से कौन सा शुरू हो रहा है टू से शुरू ही नहीं हो रहा। अगर टू से शुरू नहीं हो रहा ए बी है और बी सी नहीं है, वैसे मान लिया ए बी है और बी सी नहीं है
तो ये ट्रांजिटिव होता है, यही बात समझनी थी। तो ये ट्रांजिटिव होगा, ए भी है और बी सी नहीं है। जैसे अब इसमें 3 2 है और 2 से कोई चार शुरू ही नहीं हो रहा, तो ट्रांजिटिव है ये। अगर 2 से शुरू होता और ए सी नहीं होता, मतलब ए बी भी होता बी सी भी होता और ए सी नहीं होता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक रिलेशन लिख रहा है 8, 1, ये 8, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब क्यों होगा ट्रांजिटिव? क्योंकि 8 1 है, 1 से कोई शुरू वाला है ही नहीं, ए बी है पर बी सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है, ये स्मॉल एच ट्रांजिटिव हो गया। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सभी को। किसी को नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे या ग्रुप में मुझे बोल दे या मेरे फोन करके बोल दे, कैसे भी कर दे, ग्रुप में वो बोल सकते कि ये चीज ट्रांजिटिव अभी क्लियर नहीं हुई है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव में क्या है कि ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, बी सी हो चाहे ना, अगर बी सी है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव। अब सातवां हमारा रिलेशन है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव है। और ये वाला क्वेश्चन हमारे अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन इक्विवेलेंस है, तो हमें ट्रांजिटिव में ही काम करना है। अब मैं कहूं 8 1 ट्रांजिटिव तो है पर ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई पूछे ये सिमेट्रिक है, कहेंगे नहीं है भैया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ट्रांजिटिव है ये केवल। तो मैं एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं। जैसे मेरा एक सेट यही है ए, मैं 1 2 3 ले रहा हूं क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स का ले रखा है, इसको समझाना इजी है, ये एग्जांपल से सबको समझ में आ जाता है। कई बार हम लंबा एग्जांपल ले लें फिर उसको समझाने मुश्किल हो जाता है। तो आर हम एक ऐसा रिलेशन ले लेते हैं जैसे 1 1 2 2 3 3, 1 3 और ले लेते हैं 1 2 2 1, ये मैंने ले लिया एक एग्जांपल। तो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखना है सिमेट्रिक, 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक में एक बात है कि आपको सारे नहीं देखने, तो ये होता है कि यार 1 2 तो है, 1 3 कहाँ है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 हो या खाली 2 3 होता तो 3 2 भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो या सिमेट्रिक भी। अब देखना ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो 1 1 है, 1 से कोई और शुरू हो रहा है भाई, ये हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 1 है, 1 से 1 काट दो तो 1 2, 1 2 है, ये है 1 2। अब 2 2 देखा, 2 से कौन सा शुरू हो रहा है, ये हो रहा है 2 1, 2 से 2 काट दो तो 2 1 ही आ गया, 2 1 ये है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। और जब ये तीनों हैं तो हम कह देंगे ये क्या है, इक्विवेलेंस है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। और अब हम अगले वीडियो बना रहे हैं फंक्शन का, तो वो देखेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी, सभी को गुड नाइट और समझ